आखिर जिस नाम की ज्यादा अपेक्षा थी, जेजेपी ने उसी के अनुरूप दिग्विजय का नाम जींद उपचुनाव के लिए फाइनल कर चुनाव को रोचक बना दिया है। नामांकन के अंतिम दिन सांसद दुष्यंत चौटाला ने दिग्विजय का नाम घोषित करते हुए जिस प्रकार राहुल गांधी व कांग्रेस उम्मीदवार का उदाहरण पेश किया, उससे यही संदेश गया है कि सुरजेवाला के नाम की घोषणा के बाद ही दिग्विजय का नाम फाइनल किया गया। देवीलाल जी ने अपने जीवन का पहला उपचुनाव जींद की धरती से लड़ने का काम किया था। जननायक जनता पार्टी भी निर्णय लेती है, तमाम कोर कमेटी के सदस्य भी और पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी इस निर्णय के फेवर में है कि जींद का उपचुनाव दिग्विजय सिंह चौटाला जी को। हालांकि बीते दिन सोशल मीडिया में दिग्विजय का नाम गूंजता रहा, लेकिन जेजेपी विधिवत घोषणा से बचती रही। ज्ञात हुआ है कि जेजेपी ने मांगेराम गुप्ता का नाम रिजर्व रखा हुआ था, लेकिन अंतिम क्षणों में जेजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ गया। जब सुरजेवाला के नाम की घोषणा कांग्रेस ने की, याद रहे इनेलो से अलगाव के बाद अपने वर्चस्व की जंग की लड़ाई लड़ रही जेजेपी के लिए यह चुनाव करो या मरो की तर्ज पर लड़ा जाना है। वे जहां इनेलो से आगे दिखना चाहते हैं, वहीं सबसे आगे रहने में ही उनके भविष्य की राजनीति रेखांकित होने वाली है। गौरतलब है कि 2005 में रणदीप सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को नरवाना से तब शिकस्त दी थी जब ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जाहिर है सुरजेवाला अपने प्रचार में ओपी चौटाला को शिकस्त पहुँचाने के उदाहरण पेश कर दिग्विजय पर तंज कसने में कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वहीं जेजेपी का यह भी प्रयास रहेगा कि दादा ओपी चौटाला का बदला लेकर वे सुरजेवाला को परास्त करें, ताकि ओपी चौटाला की शाबाशी हासिल की जा सके। बहरहाल 2005 के बाद यह दूसरा अवसर होगा जब दादा के बाद पोता दिग्विजय चौटाला व रणदीप सुरजेवाला आमने सामने होंगे। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।